करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा चार की वर्कशीट इंग्लिश की, जिसका टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। ठीक है, जब दो से अधिक शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, एंड द वर्ड फॉर्म आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हमें उन्हें जोड़ना है और देखना है कि कौन सा वर्ड उनसे बनता है। चलिए देखते हैं। कंपाउंड का अर्थ मैं आपको बता दूं, यौगिक या मिल जाना। ठीक है, यौगिक क्या किसी चीज़ों का योग करके बना हो या जोड़ के बना हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक दे रखा है टूथ, एक दे रखा है ब्रश। ठीक है, एक दे रखा है टूथ और एक ब्रश, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, टूथ ब्रश। ठीक है, क्या हो जाएंगे, टूथ ब्रश। ठीक है, आगे दे रखा है सन प्लस लाइट, दोनों मिलके हो जाएंगे सन लाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दे रखा है रेन, एक दे रखा है बो, तो दोनों मिलके बन जाएंगे रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, बो मतलब होता है गलही, जो गले में बांधते हैं अपन। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप सभी। टूथ प्लस ब्रश टूथ ब्रश, सन प्लस लाइट यानी सन और लाइट को जोड़ा तो सनलाइट बनी, रेन प्लस बो, ठीक है, रेन और बो को जोड़ा तो रेनबो बन गया। ठीक है, दो शब्द मिल के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आया ना आपको अच्छे से कि दो शब्द यहाँ मिले हैं और एक नया शब्द इन्होंने बनाया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग अलग शब्द दे रखे हैं, इनको जोड़ना है और कंपाउंड वर्ड जिससे बन रहा है फॉर्म मतलब बनेगा एक कंपाउंड वर्ड। चलिए क्या क्या बनेगा, पेन और केक जोड़ा हुआ है तो सबसे पहले बन गया पेन केक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें आई और बॉल, तो ये हो जाएगा आई बॉल। आई बॉल होता है आँख की पुतली। चलिए आगे दे रखा है लिप प्लस स्टिक, तो ये बन जाएगा लिपस्टिक। बहुत आसान है ना। चलिए की और बोर्ड, तो ये दोनों मिलके बनेंगे कीबोर्ड। जानते हैं ना कंप्यूटर वाला कीबोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान था ना आपको समझने में। यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, यूज द वर्ड फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, बॉक्स में से एक शब्द लेना है, जो आपको देखो राइट साइड एक बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इनमें से शब्द लेने हैं। ठीक है, और एक नया कंपाउंड वर्ड फॉर्म करना है, एक नया कंपाउंड वर्ड बनेगा जिससे कि, चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारे सामने बन के आते हैं। न्यूज़ प्लस पेपर, ठीक है, यहाँ से इन्होंने पेपर लिया तो ये न्यूज़पेपर बन जाएगा। न्यूज़पेपर होता है अखबार, आपको पता है ना। ठीक है, चलिए रेन प्लस कोट, यहाँ से कोट ले लिया तो ये बन जाएगा COAT, तो ये बन जाएगा रेन कोट। ठीक है, बारिश में हम सब रेन कोट पहनते हैं। ठीक है, नोट प्लस यहाँ से बुक ले लेंगे तो ये नोटबुक बन जाएगी। आप सभी को नोटबुक मिल रही है ना स्कूल में, चलिए वेरी गुड। अभी देखेंगे स्ट्रॉ, स्ट्रॉ प्लस वेरी
स्ट्रॉबेरी एक फल होता है ना, सबको बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमारे पास दो शब्द बचे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है किसके साथ क्या आएगा? चले आप लगाइए, आप जल्दी से जल्दी सोच के बताइए किसके साथ क्या आना चाहिए। पेन प्लस लेडी होना चाहिए या पेन प्लस केक होना चाहिए? आप क्या, आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरे को तो क्या लगता है कि ये पेन केक होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर भी पेन केक पढ़ा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पेन प्लस केक ही होगा, तो यह बन जाएगा ये पेन केक। पेन केक होता है, ठीक है, चपटा हुआ केक, ठीक है, तवे जैसा केक जो बिल्कुल चपटा हो। लेडी प्लस वर्ड, ठीक है, तो ये लेडी वर्ड हो जाएगा। ये एक तरीके का कीड़ा है, ठीक है। लेडी बर्ड ये हो गया, ठीक है, ये होता है सोन पक्षी, एक कीड़ा। चलिए आगे, रीड द गिवन सेंटेंस एंड रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्किल द कंपाउंड वर्ड्स इन ईच, ठीक है। आई लाइक वॉचिंग बटरफ्लाईज इन द गार्डन, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है? बटर प्लस फ्लाइज, तो यहाँ बटरफ्लाई बन गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, माई मदर मेक्स, ठीक है, माई मदर मेक पैनकेक्स, ठीक है। क्या यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है? पैनकेक, पैनकेक्स, ठीक है। वी वेयर रेन कोट्स वैन इट्स रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रेन कोट। क्या है यहाँ पे कंपाउंड वर्ड? रेनकोट, ठीक है। आई गॉट सनग्लासेस, ठीक है, एज ए गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, मुझे सनग्लासेस मिले मेरे बर्थडे के उसमें, ठीक है, जब मेरा बर्थडे था। तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड क्या होगा? सनग्लासेस, ठीक है। आई लाइक टू ईट पॉपकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड वर्ड क्या है? पॉपकॉर्न, ठीक है, पॉप प्लस कॉर्न, ठीक है, क्या है? पॉप कॉर्न। तो ये कैसे कैसे बने हैं, ठीक है, मैं आपको लाइन खींच के इनके बीच में बता देता हूँ कि कौन कौन से दो शब्द थे। तो पेन प्लस केक, रेन प्लस कोट, सन प्लस ग्लासेस, ठीक है, पॉप प्लस कॉर्न, ठीक है। ये आपके लिए मैंने इनके बीच में लाइन भी खींच दी है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से दो शब्दों से मिलके बने हैं, ठीक है। आप इस तरीके की लाइन इनके बीच में खींच के बता भी सकते हैं ये कौन कौन से शब्दों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट, अपनी वर्कशीट को सॉल्व करने में मदद करेगी, और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप अपनी वर्कशीट बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। साथी अध्यापक भी इसे वर्कशीट को देख सकते हैं, और कोई कमी है या गलती है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। तो हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम द कोरोना वायरस, वी शुड ऑलवेज वेयर ए फेस मास्क। सब फेस मास्क पहने, कोई भी बिना फेस मास्क के बाहर नहीं निकले। रेगुलरली वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, ठीक है। हमें डेली अपने हाथों को, जब भी हम बाहर जाएं या कहीं बाहर से आएं, तो हमें अपने हाथों को पानी से धोना चाहिए। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड पैलेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।